नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम द रियल हीरोज मध्य प्रदेश चैप्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और इस प्रदेश में रोजगार और नए अवसर पैदा करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग प्रयासरत हैं, वो मध्य प्रदेश के रियल हीरोज हैं। तो इस कार्यक्रम में हम उन्हीं हीरोज से चर्चा करेंगे और उनका क्या विजन है और किस मिशन के साथ वो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ये तमाम बातें जानेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे खास मेहमान जो इस मंच का संचालन भी करेंगे, मनोज जोशी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। भारतीय सिनेमा जगत के एक जाने माने नाम जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, मनोज जोशी जी, जिन्होंने थिएटर से अपने एक्टिंग की शुरुआत की, सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बनाई। और इनके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को। सर प्लीज आप मंच पर आइए और हमारे खास मेहमान का स्वागत करिए और इसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो हमारे खास मेहमान आज के होंगे मनोज जोशी जी और मंच का संचालन भी करेंगे मनोज जोशी जी और बातचीत करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के रियल हीरोज से। तो जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान के लिए। और इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, लेकिन मंच संचालन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी कीर्ति दीक्षित को। कीर्ति, आप कृपया मंच पर आइए और उसके बाद मैं अपने पहले पैनल को, यानी कि पहले पैनल के खास मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इस कड़ी में सबसे पहले मैं साक्षी अग्रवाल जी को मंच पर बुलाऊंगी। सेज यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साक्षी अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां साक्षी अग्रवाल जी के लिए। और इसी के साथ पवन यादव जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, देवांश धरा के फाउंडर एंड सीईओ हैं पवन यादव जी। और हमारे साथ चर्चा में तीसरे हमारे खास मेहमान होंगे विनोद मिश्रा जी, मिलेनियम इंफ्रा के एमडी हैं विनोद मिश्रा जी, और बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। तो इस पैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए, विकास के लिए तमाम बातें जानेंगे, क्या विजन है मध्य प्रदेश का ये भी जानेंगे हमारे खास मेहमानों से। ओवर टू यू कीर्ति एंड मनोज सर। बहुत शुक्रिया प्रेरणा आपका, और ये खास पैनल है और इस खास पैनल के जरिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं मनोज जी। सबसे पहला सवाल मेरा साक्षी जी आपसे ही रहेगा, हम जब सेज ग्रुप की बात करते हैं तो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, पावर हो, कई सारे अलग अलग ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, यहां पर काम करने की प्रेरणा कहां से मिली और क्या रास्ता है जिसके जरिए सफलता तक हम पहुंच रहे हैं? नमस्ते, पहले मैं जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मनोज जोशी सर, आपसे भी फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है आज। एंड सीज की जब हम बात करें तो सीज ना ही रियल एस्टेट, ना ही एजुकेशन, ना ही पावर और ना ही हेल्थ केयर इससे नोन है। सीज नोन है उसकी सोच से। हमारी सोच क्या है कि हमको हर एक इंसान जो हमारे साथ है उसको ऐसा बनाना है, हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप जिसने अपने बच्चे को ट्रस्ट करा है सेज ग्रुप के, सेज यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में या स्कूल में, कि वो इंसान जब पास आउट हो तो उसको जॉब मिले, करियर मिले, बट उससे ज्यादा वो इंसान को ये बताओ कि खुश कैसे रहते हैं, वो इंसान को ये बताओ कि जिंदगी में आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर आप सत्य चित आनंद में नहीं हो। मेरे पापा इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर जो फाउंडर हैं सेज ग्रुप के, वो हमेशा कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए लाइफ में, सामने तुझे किसी को डांटना पड़े डांट, तुझे चिल्लाना पड़े रोना पड़े सब दुनिया में, क्योंकि तू रह रही है करना पड़ेगा, बट अंदर अपने मन में हमेशा सच्चित आनंद में रहो, ऐसा आनंद जो आपके चित आपके मन में हमेशा बना रहे। तो सेज ग्रुप 30 सालों से 55,000 बच्चों के साथ, 10,000 ऐसी फैमिलीज जिनको हमने रियल एस्टेट सेल कर चुका है, 4 लाख लोगों से डेली बेसिस पे कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश से कि हम हर किसी में एनर्जी ढूंढते हैं और हर किसी को हमारी एनर्जी फ्लो करते हैं। थैंक यू। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर और आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। मैं आपके कार्य के विषय में और सेज के विषय में बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, जानता हूं, आपके पिताश्री को भी मिला हूं और मातोश्री को भी। एक बात बताइए कि
आप हेल्थ सेक्टर जो है उसके भविष्य में, उसके भविष्य को किस तरह से देखती हैं और अपोलो सेज किस तरह से कार्य कर रहा है, इस बारे में विस्तृत बताइए। अपोलो सेज की शुरुआत हुई थी कोविड में। इसकी शुरुआत ऐसी थी कि जो हमारे पिताश्री हैं इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, कोविड के टाइम पे बेड की कमी हो रही थी, तो बात ये हुई कि मेरी बुआ को, उनकी रियल बहन को एक बेड चाहिए था उनके हस्बैंड के लिए, मेरी फूफा जी के लिए। पापा ने एक दो जगह कॉल लगाए भोपाल में, इमरजेंसी थी, और वो बेड नहीं मिल पाया, बहुत मुश्किल से मिल पाया, और उसमें भी अब जो भी है अलोन नहीं, शेयरिंग जो भी मिला। उस दिन पापा ने ठाना कि अगर मेरी बहन के साथ ये हो रहा है तो मेरे सीजियंस के साथ भी ये हो रहा है। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि अगर किसी को हेल्थ में जरूरत है, नीड है, और उसको एक अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। उस दिन शुरुआत हुई थी सोच की, अपोलो सेज हॉस्पिटल की। सेज हॉस्पिटल हमने उसको नाम रख दिया था। फिर अपोलो ग्रुप में जब प्रताप रेड्डी सर से हम मिले चेन्नई में, उनकी बेटी से मिले, हमको लगा इनकी भी सोच ट्रस्ट पे बनी है। कुछ भी हो जाए, अपोलो कोविड में भी अपने पेशेंट्स के साथ, बहुत सारी जो आ रहे थे रेट्स क्या कर दिए उन्होंने, अपोलो ने बहुत ही ईमानदारी के साथ सबको नापा है, एक तोल नापा है, और इसीलिए अपोलो के साथ अपोलो सेज हॉस्पिटल 350 बेड का भोपाल में पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी। तो पवन यादव जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और बहुत स्वागत है आपका पवन यादव जी। जिस तरह से मैंने आपके बारे में पढ़ा, बहुत संघर्ष रहा है बचपन से ही आपके जीवन में, आप आत्मनिर्भर रहे हैं, आपके पिता का बहुत योगदान रहा आपके जीवन में सत्यनारायण यादव जी, वो योगदान के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। और अभी एक पिता की जो हमारे प्रति जो लगाव होता है और जो जिम्मेदारी होती है और एक परिवार में जो माहौल होता है, जब पिता हमारे साथ ना हो तो उनकी जो कमी है वो कैसे आप महसूस करते हैं, किस तरह से डील करें अभी? सर नमस्ते। नमस्ते। संघर्ष जीवन की परिभाषा है, मैंने ऐसा जाना अभी तक, क्योंकि जिस व्यक्ति का संघर्ष माँ के दूध के साथ स्टार्ट हुआ हो और पिता का साया जाने तक जारी रहा हो, वो एक अलग अनुभव रहा मेरे लिए। शायद मुझे याद नहीं है कि मैं एक या डेढ़ साल का था जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो मैंने माँ का मुख भी नहीं देखा, चेहरा भी नहीं देखा, और सबसे बड़ा तो उनकी एक फोटो भी नहीं है मेरे पास में। ये सबसे बड़ी दुखद मेरे लिए चीज है। फादर ने मेरा बहुत साथ दिया, उनके मतलब जो गाइडेंस थे उसके ऊपर मैं चलता रहा। और मुझे याद है कि कक्षा 7 के पास मैंने मेरे पिताजी से सॉक्स के पैसे भी नहीं लिए। मतलब मुझे ऐसा लगा था मुझे कुछ करना है जीवन में, मेरे पिता का नाम रोशन करना है। और जिस जगह से मैं चला हूँ, बहुत से लोग साथ में आए, जुड़े और आगे बढ़ते गए। उसमें मेरे अभी पिताजी के जाने के बाद अगर मेरे पर किसी का हाथ है तो मेरे बड़े पिताजी हैं सुरेश चंद यादव, उनका बचपन से मुझे बहुत सहयोग मिला। और माँ की जो कमी थी वो मेरी बड़ी मदर है सुशीला यादव जी, उन्होंने पूरी करी। और जो माँ की गोद का सुख था वो मेरी बुआ जी की लड़की है सरला यादव जी, उन्होंने मुझे माँ की गोद का एहसास दिया। 7-8 साल तो उन्होंने मुझे संभाला और वहां से मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस योगदान में जब मेरी वाइफ आई तो मुझे एक नया आयाम मिला, एक सोचने का नया तरीका मिला, मुझे जीने का नया रास्ता मिला। साथ में फिर मेरा बड़ा बेटा प्रतीक हुआ, उसने मुझे तरक्की के रास्ते पर लेके जाया। मतलब वो आने के वो लक्की रहा। उसके बाद साथ संघर्ष मेरा थोड़ा कम हुआ। छोटा बेटा देवांश आया, उसके बाद हमारी कंपनी स्टार्ट हुई देवांश धारा प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब संघर्ष ही जीवन रहा है और अभी भी संघर्ष जारी है। अद्भुत। विनोद मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हम मिलेनियम इंफ्रा की जब बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या वो लोग थे किस तरह से जिन्होंने योगदान दिया इसमें ताकि वो आगे बढ़ पाए? कुल मिला के सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि आज हमारे भाई साहब अरुण कुमार मिश्रा मिलेनियम इंफ्रा के सीईओ, उनकी अनुपस्थिति में मैं यहां पर आया हूं। तो कुल मिला के रियल इस्टेट की शुरुआत उन्होंने सन 2008 से की थी। इस फील्ड में कदम रखते ही सन 2008 से 2012 तक इन्होंने रियल इस्टेट का कार्य किसी अन्य कंपनी के लिए किया, जिसमें इन्होंने रियल इस्टेट की काफी बारीकियों को सीखा। रियल इस्टेट में क्या कमियां हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, उस स्तर पर उन्होंने कार्य किया। उसको आगे बढ़ाकर एक कारपोरेट लेवल पे ले जाके रियल इस्टेट कारोबार को हम जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका गहन अध्ययन किया। और इसके उपरांत सन 2012 18 फरवरी 2012 को 13 में
मिलेनियम इंफ्रा की शुरुआत की। अब मिलेनियम इंफ्रा की शुरुआत करना ही कारोबार को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं था, इसमें काफी कुछ और रुकावटें थी, उसको दूर की। सबसे पहले इस कारपोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक ऐसा स्पेस सर्च किया जहां पर हम अपना ऑफिस खोल सकें। उसके लिए हमको एक अपना संगठन बनाना था, एक ऐसा संगठन जो रियल इस्टेट की बारकियों को कस्टमर तक जाकर उनके हिसाब से उनको कैसे समझा सकता है, उनको सुचारू रूप से समझा के बड़ी सरलता के साथ हम बिना ब्याज के किस्तों में, 3 साल की किस्तों में प्लाट देने का जो उनका सपना था, उनका एक संकुल बनाने का सपना था, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे पूरा अध्ययन करते हुए सबसे पहले हमने अपने संगठन को ट्रेनिंग दी। और प्रति सप्ताह हर शनिवार को हम अपने संगठन को ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए हमने पूरी बैठक व्यवस्था की। आज 10,500 स्क्वायर फीट का हमारा ऑफिस मिलेनियम इंफ्रा का विजयनगर पे स्थित है, जिसमें ग्राहक को यहाँ बिठाकर रियल इस्टेट या प्लाट के बारे में सुचारू रूप से जानकारी देना, उनके अपने फंडिंग के बारे में सरलता के साथ उनको प्लाट हम कैसे उपलब्ध करा पाएं, उनसे बिना ब्याज के हम कैसे दे पाएं, इस सारी चीजों को हमारे एग्जीक्यूटिव सब उनसे अवगत होते हैं, उनसे रूबरू बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है हमारे कंपनी के CEO मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा, जिनका फुल्ली डेडिकेशन, जो 24/7 ऑफिस में उपलब्ध होना, हर ग्राहक के लिए उपलब्ध होना, और साथ में हम ग्राहक को सुचारू रूप से उनके सपनों को साकार करने में कहां तक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ये सभी चीजों को देखते हुए हमने इस क्षेत्र में अपना आगाज किया। और आज इस क्षेत्र में मिलेनियम इंफ्रा को स्थापित करने के लिए हमारी सेल्स टीम, हमारा संगठन और हमारे भाई साहब का डेडिकेशन, ये पूर्णतः रूप से और सुचारू रूप से मिलेनियम इंफ्रा को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान किया है इन सभी क्षेत्रों में। विनोद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपकी फर्म का, मिलेनियम इंफ्रा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं अपार है, लेकिन उन अपार संभावनाओं के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत प्यारा सवाल है सर। मैं आज से 10, 15 या 20 साल पहले की बात करूं तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर था जहां पर कोई भी एजुकेटेड बंदा अपना भविष्य नहीं देख पा रहा था। परंतु इन 15 से 20 सालों में इस सेक्टर ने इतनी ऊंचाई अर्जित की है, इतने सुधार हुए हैं, गवर्नमेंट की कई पॉलिसियां भी सुधारी गई हैं, और रियल एस्टेट कारोबार में एक एजुकेटेड वर्ग का शामिल होना इस इंडस्ट्री को आज विकराल रूप दे रहा है, जिसके अंतर्गत ये इंडस्ट्री डे बाय डे अपना दिन ब दिन अपना रूप विकराल करते जा रही है। और आने वाला वो समय भी दूर नहीं है जब इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री एक अहम योगदान प्रदान करेगी, वो समय भी दूर नहीं है। इसलिए आज उन एजुकेटेड युवाओं को भी अपना भविष्य इस सेक्टर में नजर आने लगा। आज हमारे पास कई MBAs, कई डिग्रीधारी भी हमारे पास वर्किंग करते हैं और एक प्रोफेशनल और कैरियर प्लानिंग के साथ करते हैं। पहले का युवा अनंत नौकरियों की तलाश कर रहा था, आज हम इस सेक्टर में इतनी नौकरियों को खोल के बैठे हैं कि हर किसी के लिए हमारे पास जॉब उपलब्ध है, हर बंदा हमारे साथ आके जुड़ सकता है, वो चाहे एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, अगर उसके पास बात करने की तकनीकी है, उसके पास स्किल है, वो किसी को कन्विंस करने में सक्षम है, तो रियल इस्टेट सेक्टर में उसका स्वागत है। तो आज रियल इस्टेट उन सभी के लिए अपने द्वार खोल के बैठा है। आज के तारीख में जहां तक मेरी नजर दौड़ती है, मैं कह सकता हूं कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास रोजगार नहीं है। कई रियल इस्टेट कंपनियों ने रोजगार के प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं, जिसमें आप संलग्न होइए, जुड़िए, वो आपको आगे बढ़ने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आपकी उपजीविका चलाने में भी हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसलिए उन्हें इस चीज को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास रोजगार नहीं है। मिलेनियम इंफ्रा और अदर बहुत सारी कंपनियां हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, मैं सभी की ओर से कहता हूं कि आज अपार संभावनाएं हैं, आप अपना करियर रियल इस्टेट सेक्टर में बना सकते हैं, एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके अंदर स्किल है तो आप रियल एस्टेट में एंटर कर सकते हैं और वहां पर जिस तरह का भी कॉम्पिटिशन हो आप सर्वाइव जरूर कर सकते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। पवन यादव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, देवांश धरा की जब हम बात करते हैं और रियल एस्टेट की बात करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, कॉम्पिटिशन की बात ना हो तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा।
तो जो कंपटीशन है उससे कैसे डील करते हैं, उसको लेकर के क्या रणनीति रहती है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कस्टमर के लिए, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ उनकी उम्मीदों के ऊपर जो चाहते हैं उस पर हम काम करते हैं कि एक हमारा नीड एनालिसिस पूरा होता है कि उनकी जरूरत क्या है, उनका बजट क्या है, उसके हिसाब से हम उनको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी ने मान लिया मुझे 25 लाख में घर चाहिए, तो उसी की उनको प्रॉपर्टी हम देते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि बुकिंग से लेकर रजिस्ट्री तक जाने पर हम हमारे इन्वेस्टर को कहीं तकलीफ ना आए इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। प्रॉपर उनकी विजिट होती है, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होती है, अगर उनका लगता है कि बजट वो कम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट एक ऐसी चीज़ है लोन जो व्यक्ति को बहुत अंदर तक एक जख्म भी देती है और सुकून भी देती है, दोनों चीज़ बोल सकता हूँ मैं उसको, एक चीज़ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे लोन लेना जरूरी है, अगर लोन लेके मैं अपने घर में रह रहा हूँ तो एक सुकून वाली बात होती है, तो थोड़ा सा दर्द और थोड़ा सुकून, इसको मीठा दर्द बोल सकते हैं। तो हम उनके काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर एक काउंसलिंग होती है और उसके अंदर उनके बजट को हम वेरिफिकेशन करके फिर उनके बजट की प्रॉपर्टी उनको सजेस्ट करते हैं, फिर उनको बकायदा विजिट कराते हैं, दिखाते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता तो उनकी बुकिंग्स करते हैं, और बुकिंग्स करने में उनके लोन की सारी प्रोसेस हमारी टीम करती है। देवांश जी, देवांश धरा पवन जी, आपके नाम में पवन और यादव दोनों हैं, मतलब पवन पुत्र हनुमान जी भी हैं और यादव यानी योगेश्वर कृष्ण भी हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि मतलब आपके जीवन की जो भी कथा सुनी अभी, जो भी संघर्ष गाथा, तो भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग जो है वो आपके रोम रोम में बसा हुआ है, और श्री कृष्ण जी की भी कथा ऐसी ही है कि माता के होते हुए भी मथुरा से गोकुल आना पड़ा है ना, और आपने भी अपने जो फर्म है उसका नाम धरा रखा है, और धरा यानी पृथ्वी यानी माता। तो मुझे एक बात बताइए, देवांश धरा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और आपके रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा चैलेंज जो है था वो क्या रहा और आपने उसे कैसे पार किया? ये क्योंकि ये आने वाली जो पीढ़ी है और इस क्षेत्र में भी जो लोग आना चाहते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर है, उनको ये प्रेरणादायक होगा, इसलिए बताइए। सर 2008 के अंदर मैं एज एसोसिएट एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा था, वहां पर एज एसोसिएट में काम कर रहा था। काम करते करते मैंने जीवन में मतलब 2022 तक मैंने काम करा उनके साथ में, हमने कई इंदौर में कई टाउनशिप जो थी उन्हें सेल आउट किया, लोगों को हमने घर दिए। फिर मुझे एक एहसास हुआ कि घर मकान देना मतलब कोई बिजनेस नहीं हो सकता, वो जीवन का एक सपना है और जीवन का सबसे बड़ा है सपना, और सपना पूरा करने में कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग भी हो रही है और एक सोशल वर्क भी हो रहा है। तो उस चीज को मैंने सोशल वर्क पे लिया, और लेने के बाद 2017 से कहीं ना कहीं सपना था कि मुझे अपनी कंपनी खोलना है। और हम दो तीन दोस्त थे, जैसे गौरव श्रीवास्तव, जितेंद्र जी, राहुल जी, मुस्कान मोहने, पूजा मैडम, पूजा चंदेल मैडम, और इसके अलावा मेरे और भी सहपाठी थे, मुझे मुर्तजा जी, शुभम सिंह। तो इन सब ने मिलकर हमने कंपनी का नाम सोचा देवांधरा प्राइवेट लिमिटेड 2017 में। हमें नहीं मालूम था ये नाम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम 2023 में 27 नवंबर 2023 में हम पहुंचे, और ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ दूसरी कंपनियों के साथ में जो काम कर रहा था, कि नहीं अब कुछ हमें अपना करना है, हमारे नए जो एसोसिएट है उनको भी मालिक बनना है, उनको भी आगे बढ़ना है, तो हमने उस कंपनी का नाम रखा। और इतना कहते हैं वो, मुझे एक शाहरुख खान जी के फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को सिद्ध चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। हमारे पास जेब में 500 रुपए भी नहीं थे हमने जब कंपनी का सपना देखा था, ये मैं आपको 25 नवंबर की बात बता रहा हूँ सर। और भगवान की दया से हमारे बीच में हमारे मिस्टर मनीष जैन साहब, मनीष तांतेड़ साहब, और रिक्की पाहुचा जी, और मयंक तांतेड़ जी, डॉक्टर विजय सचौरमा जी, हमारे साथ में दिनेश मरमड़ जी, इन सबका मुझे आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं के सानिध्य में जब मैंने काम करा तो मुझे ऑफिस भी बिगर किराए का मिला कि जा अपनी कंपनी स्टार्ट कर। और जब मैं कंपनी में गया तो किसी बच्चे ने मेरे साथ टेबल मंगवाई, किसी ने कुर्सी मंगवाई, किसी ने वॉलपेपर लगा के मेरा ऑफिस स्टार्ट करा। हम लोगों ने मिलकर गाड़ी स्टार्ट करी जिसमें मेरे छोटे भाई और बड़े भाई संदीप यादव, दीपक यादव, मेरे भतीजे अन्नू,
सुरेश यादव का भी बहुत सहयोग रहा, हम सबने मिलकर एक ऑफिस स्टार्ट करा और हमें मालूम नहीं था कि हम कर पाएंगे। और जिस दिन हमने ओपनिंग करी, सेकेंड डे हमारी एक अच्छी सी डील हुई जिसमें हमको कुछ मेहनताना मिला, जिससे हमने ऑफिस का किराया दिया। और आज सात से आठ महीने हुए हमारी कंपनी को स्टार्ट। आज हमारी कंपनी में 6 से 7 गाड़ियां हैं, सब अच्छी तरह वर्क, 110-120 बच्चों की हमारी टीम है पूरी काम करने के लिए, और नए बच्चों को रोजगार मिला। साथ में इस सबसे अच्छी बड़ी बात यह हुई कि कंपनी का जो नाम चाहिए था वो नाम हमारा रजिस्टर्ड हुआ। हमारा नाम शायद वेट कर रहा था हमारे गूगल से लेकर, हमें हमारे लोगों को पेटेंट कराने में कहीं भी हमें दिक्कत नहीं, सारा नाम हमारा रजिस्टर्ड हो गया, नहीं तो अमूमन नाम नहीं मिलते हैं। और देवांग धरा प्राइवेट लिमिटेड को नाम मिला, और नाम मिला तो आज भगवान की दया से हम 10 से 12 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे देवांग धरा प्राइवेट लिमिटेड की, वो एक है ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। हम ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, कम मार्जिन पे बड़ा प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, हमारे जिनको घर की आवश्यकता उनको कम बजट में घर दे रहे हैं, जिन्हें प्लॉट मतलब जमीन चाहिए उनको हम कम रेट पे प्लॉट भी दे रहे हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा के अंदर कहीं ना कहीं देवांग धरा ने भी अपने थोड़ा सा पांव जमाया है। वेरी गुड। विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मिलेनियम इंफ्रा के अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कितने प्रोजेक्ट और आने वाले हैं? जी सर, अभी फिलहाल हमारी मिलेनियम इंफ्रा के 17 प्रोजेक्ट इंदौर में चल रहे हैं। ओह। और हमारी प्लानिंग अभी विभिन्न शहरों में भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की चल रही, जिसके अंतर्गत हम भोपाल, पीतमपुर, इन सेक्टरों में अभी फोकस कर रहे हैं। और अभी ज्वलंत में जो एरिया ज्यादा अच्छा चल रहा है इंदौर के अंदर, जिसकी ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी के साथ जिस एरिया में लोगों की डिमांड है, ऐसे उज्जैन रोड है, सुपर कॉरिडोर है, बायपास है, तो इन सेक्टरों पे भी हम फोकस करके चल रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रतिवर्ष का टारगेट है कि हम 200 एकड़ जमीनों के अंदर अपने प्रोजेक्ट प्रतिवर्ष लाएं, क्योंकि हमारे पास आज एक ऐसी सेल्स टीम बैठी हुई है जिसको प्रतिवर्ष 3 प्रोजेक्ट देने के बाद लगभग 200 बीघा जमीन हम प्रतिवर्ष लॉन्च करते हैं। ये हमारे पास पूरी नहीं हो पाती, कम पड़ती है, क्योंकि हमारे सेल्स टीम की भूख कुछ ज्यादा है। तो उसी तरह प्रतिवर्ष का टारगेट हमने सेट कर दिया है कि हमें 200 बीघा जमीन में प्रतिवर्ष टाउनशिप लॉन्च करनी है, इसको कंप्लीट करना है, पूरी गवर्नमेंट रूल के साथ कंप्लीट करके ग्राहक तक पहुंचाना है, जिसमें सारी सुविधाएं जो रेरा अनुरूप होती हैं, रेरा अप्रूव करके हम सभी प्रोवाइड करते हैं। और इसके पीछे मेन मकसद था कि ग्राहक को बिना ब्याज का हम कैसे प्लाट दे पाए। आज पूंजी ग्राहक लगा रहा, किसी के पास अगर ब्याज में भी जाता है, तो आज रियल इस्टेट में अगर एक प्लाट हम कल्पना करें कि 20 लाख 25 लाख का है, उसमें 8-10 लाख ग्राहक के पास है, 15 लाख का अगर वो लोन में भी जाता है, तो लोन 8-10% के नीचे किसी भी बैंक का लोन नहीं है, उसमें तो इतना ब्याज भर देगा जितने का उसका प्लाट हो गया, क्योंकि उसकी सीमा भी 10-15 साल 20 साल होती है। इन सब चीजों से सबक लेते हुए हमने अपना खुद का सिस्टम डेवलप किया कि आप हमें ब्याज मत दीजिए, आप आज डाउन पेमेंट कर दीजिए, जो आपके पास 30% 40% पैसा है, हम आपको लीगल एग्रीमेंट जनरेट करके देंगे, उसकी रिसिप्ट देंगे, और इसके बाद आप मुझे 3 साल बिना ब्याज का इसका भुगतान करेंगे। मैं सिंपली उसको डिवाइडेड बाय 36 मंथ कर देता हूं, और प्रति माह वो आकर ऑफिस में अपनी किस्त दे, ऑनलाइन दे, ऑफलाइन दे, उसकी रिसिप्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको प्लाट लेने में काफी सहूलियत मिली। और आज जिस रेंज का उन्होंने प्लाट खरीदा हमसे, 20 लाख 25 लाख का, ये समय है। और ये रियल इस्टेट कारोबार की वो है कि आज 3 साल में ये धन उनका मल्टीपल हो रहा, डबल हो रहा है, तो उनके लिए तो एक शुभ अवसर है कि जिन्होंने आज खरीदा है वो कुछ अपना जो सपनों का घर है उसकी परिकल्पना करके खरीद रहे हैं, उनके सपनों का घर उनके सामने आ रहा है। दूसरा यह है, किसी माता पिता को अपनी बेटी का विवाह करना है तो वो सेल करके उस पैसे से अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, कुछ माता पिता ऐसे हैं अपने बेटों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। और उन सभी इन्वेस्टमेंट में उनको जो भी सहयोग हमारी ओर से प्रदान कर सकते हैं हम पूरा देने की कोशिश करते हैं।
बहुत शुक्रिया है पवन यादव जी आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और विनोद मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। तो दोनों खास मेहमान वो हैं जो कि लोगों को उनका सपनों का जो मकान है, सपनों का जो आशियाना है, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस मंच में जुड़ने के लिए।